राधे राधे हरे कृष्णा राजस्थानी तीर्थवार रेसिपी में देखिए हमने जो आलू उगाए थे अब हम आलू को इसको देखेंगे इसमें कितने आलू निकलते हैं क्योंकि आलू को कम से कम 3 या 4 साढ़े 3 महीने चाहिए और हमारे इसको 2.5 महीने ही हुए हैं तो हम देख लेते हैं अब क्योंकि हम दूसरी सब्जी को ही लगा देंगे इसमें मिट्टी में क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम किसी में भी लगा देते हैं तो अब देखते हैं कि आलू कितने निकलेंगे। ये देखिए ये तो हमने उखाड़ दिया ये देखिए एक आलू लग गया देखिए ज़्यादा आलू इसमें नहीं लिख रहेंगे क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए। ये देखिए ये तो हमने निकाल दिए और इसमें एक ही लटक रहा है ये तो अब हम हाथ से देखेंगे इसमें। ये देखिए एक आलू ये देखिए छोटे आलू हैं कम ज़मीन में ये देखिए एक और आलू लेकर गए अभी इसके नीचे जड़ है उसमें होंगे आलू। जगह आलू के लिए बहुत पोली जगह चाहिए तो पोली जगह अपने पास ज़मीन खेती में होती है तो ये देखिए आलू लेकर रहे हैं ये देखिए ये लेकर के आलू देखिए मैंने जड़ निकाली है ये देखिए जड़ के नीचे निकलेंगे आलू खूब सारे आलू निकलेंगे ये देखिए जड़ निकाल देते हैं मैंने ये बोरी का कट्टा लगाया था तो जो बोरी जो आती है बोरी नहीं ये प्लास्टिक का कट्टा लगा दिया इसमें मिट्टी भर दी थी और नवंबर के महीना में जो आलू लाते हैं अपन उग जाते हैं तो इस तरीके से वो आलू हमने इसमें डाल दिए थे तो देखिए अब हम नीचे पलटेंगे इसको आलू इसमें लगाइए क्योंकि आलू हमारे ये देखिए आलू तो इसी तरीके से हम सारे आलू निकाल लेंगे और हमने निकाल रखे हैं अभी और निकालेंगे ढेर सारे आलू इसमें तो देखिए राधे राधे हरे कृष्णा राजस्थानी तीर्थवार रेसिपी में आज मैंने इसी का वीडियो बनाया है और देखते रहिए इस तरीके से हम घर में कोई आलू उग जाते हैं वो हरे हरे हो जाते हैं कुल्ला फोड़ जाते हैं वो बना नहीं सकते हैं तो अब तो गया मौसम उगाने का अब अगली साल उगाएंगे।